नहीं, कल आक्रोश दिवस उनका खत्म हो गया, भारत बंद उनका विफल हो गया, या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की इस देश के गरीबों की जीत है। मैं आप सब लोगों के सामने उत्तर प्रदेश के अंदर सपा बसपा की 14 वर्षों से सरकार चल रही है, क्या विकास हुआ मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर विकास हुआ तो उसमें भ्रष्टाचार हुआ, अगर विकास हुआ तो उसमें डकैती हुई, चोरी हुई। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, विकास होगा, लेकिन वो भ्रष्टाचार से मुक्त विकास होगा, बेईमानी से मुक्त विकास होगा। केंद्र में बैठे हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार भ्रष्टाचार खत्म करना चाहती है। यहां बड़ी संख्या में मेरे नौजवान खड़े हैं। केंद्र सरकार भर्तियों में बेईमानी ना हो, नौजवानों के साथ धोखा ना हो, इसलिए भर्तियों में इंटरव्यू खत्म कर रही है। लेकिन अखिलेश यादव जी की सरकार जातिवाद और परिवारवाद में मस्त होकर के भर्तियों में खुलेआम भ्रष्टाचार करने का काम करती है। इस भ्रष्टाचार को हमें खत्म करने का काम करना है। इस आज की सभा में मैं आह्वान करूंगा आप सब लोगों से, लंबी बात करने का इसलिए आवश्यकता नहीं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन हमें प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश से सपा की सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, मित्र जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए। अगर सपा की सरकार हटाने का काम करना है और उत्तर प्रदेश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भारत बन रहा है, आपके आशीर्वाद से बन रहा है, और मैं विश्वास के साथ आज यहां कह सकता हूं पूरी दुनिया में भारत को अब नंबर एक होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर भारत नंबर एक हो और उत्तर प्रदेश नंबर 20 पे हो तो क्या यह हमें स्वीकार है? क्या हमें देश को भी नंबर एक बनाना है और हमें प्रदेश को भी नंबर एक बनाना है। इसे आप सबसे अपील करके यहां से जाऊंगा, महाराजगंज जिले की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल 2017 में खिलाने का काम करिए। और आप सब के सामने यह मुझे स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं, 2014 इस देश के नौजवानों ने, इस प्रदेश के नौजवानों ने, गरीबों ने, किसानों ने माननीय मोदी जी को आशीर्वाद दिया, इसलिए हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है। विपक्षियों को यह पता है कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने से रोक पाना उनके बस की बात नहीं रह गई है। वह इसलिए इस समय कोशिश में लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि 2019 में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं या 2019 की लड़ाई लड़े। मैं आप सबको आज यहां आह्वान करके जाऊंगा। आज मैं अभी आ रहा था, एक फेसबुक पे आप सब नौजवानों ने कोई मैसेज डाला होगा इस देश के बेईमानों के बारे में, वो इस देश के ज्योतिषियों से बड़ा नाराज है कि इस देश में 50 लाख ज्योतिष थे और किसी ने नहीं बताया कि 1,500 के नोट बंद होने वाले हैं। उनको चिंता होती है, बहन मायावती जी गरीबों की गरीबी बेच करके, दलितों और पिछड़ों के वोट बेच करके, जो उनका हाथी था उसको इतना नोट खिलाया कि बहुत मोटा हो गया, लेकिन मोदी जी के एक फैसले से बहन मायावती जी का हाथी भैंस के बच्चे से भी छोटा हो गया। 2017 में हमें सपा को भी हटाना है, और साइकिल पंचर नहीं करना मित्रों, साइकिल को टुकड़े टुकड़े करके उसे सैफई वापस भेज देने का काम करना है। इसलिए बस एक लाइन में कि विश्वास करो तुम मोदी पर, विश्वास करो तुम मोदी पर, यह नव युग का निर्माता है, ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है। इसे आप सबसे अपील करूंगा, भाजपा की सरकार बनाइए, और 2017 में जब भाजपा आएगी तो दहशतगर्दी नहीं रहेगी, अमन चैन का शासन होगा, जेल के अंदर गुंडे होंगे इतना सख्त प्रशासन होगा। या विश्वास दिलाता हुआ, आज पुलिस अपराधियों से डरती है, लेकिन जब भाजपा की सरकार आएगी अपराधी या तो जेल में ठूस दिए जाएंगे या उत्तर प्रदेश कर छोड़ करके वो भाग जाएंगे। यही आप सबको विश्वास दिलाता हुआ, आप सबसे निवेदन करता हुआ, मोदी जी आज संसद में है, मैं भी वहां था, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी थे, जोरदार जयकारे के साथ माननीय मोदी जी को आश्वासन दीजिए, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़िए, देश आपके साथ है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री केशव प्रसाद जी मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश।
परिवर्तन महारैली के भारत माता की ऐसे ले गए। मोदी जी दिल्ली है, आप नेपाल की सीमा पर है, ये आवाज पहुंच सकती है क्या? मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाकर परिवर्तन के आक्रोश और गुस्से के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान केशव प्रसाद जी, योगी आदित्यनाथ जी, देश की स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया जी, श्री शिव प्रताप शुक्ला जी, श्री रामेश्वर चौरसिया जी, श्री पंकज चौधरी जी, श्री रमापति राम त्रिपाठी जी, श्री विजय बहादुर पाठक जी, श्रीमान उपेंद्र शुक्ला जी, श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी और मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रदेश के पदाधिकारी। और आज इस महाराजगंज की सभा में इतनी देर होने के बावजूद भी आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, आज परिवर्तन यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में घूमती घूमती महाराज जनपद में पहुंची है। ये परिवर्तन यात्रा का नाम परिवर्तन यात्रा इसलिए रखा है कि हम उत्तर प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन करना नहीं चाहते, हम उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री का परिवर्तन करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश के हालात के अंदर, उत्तर प्रदेश की परिस्थिति के अंदर, यहां की कानून और व्यवस्था की स्थिति के अंदर परिवर्तन है। मित्रों, आज देश में जो नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, वो सरकार ने देश में परिवर्तन किया है। और यहां पर जो सरकार चल रही है वो परिवर्तन को रोक कर बैठी है। मित्रों, आज नरेंद्र भाई की सरकार 2.5 साल से बनी है, इसके पहले यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, और 10 साल के अंदर सोनिया मनमोहन की सरकार ने 12 लाख करोड़ रुपया का घपला घोटाला भ्रष्टाचार किया था। मगर आपने जो नरेंद्र मोदी सरकार बनाई है वो सरकार पर 2.5 साल तक हमारे विरोधी भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। मैं मानता हूं कि बहुत, अरे भाई जरा जोर जबरदस्ती मत करो, बैठ जाइए, मैं आपका निवेदन लेकर जाऊंगा, बैठ जाइए, मैं वहां आकर आपका निवेदन लेकर जाऊंगा, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, मैं आपका निवेदन लेकर जाऊंगा और अखिलेश बाबू तक जरूर पहुंचाऊंगा, बैठ जाइए, मैं आपके पास, बैठ जाइए, बैठ जाइए, सभा समाप्त होने के बाद मैं आऊंगा वहां और आपको सुनूंगा, बैठ जाइए। नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में एक नए, अरे भाई तुम नीचे उतर जाओ, नीचे उतर जाओ, बैठ जाइए सर, मैं वहां आऊंगा बाद में, बैठ जाइए। नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में एक नए प्रकार की परिवर्तन की शुरुआत की है। मेरे आगे भाई सारे कार्यकर्ता ईश्वर आ जाए, अब कोई नहीं उठेगा, बैठ जाइए आप लोग, भाई सारे कार्यकर्ता ईश्वर आ जाए, मैं वो माताओं को मिलकर जाऊंगा यहां से और आपकी बात अखिलेश सरकार तक जरूर पहुंचाऊंगा, बैठ जाइए सारे कार्यकर्ता, भाई वो लाल कोटी पहने हुए उनको बुला लो जरा,
सरकार ने इस देश की शासन धुरा संभालने के बाद कई प्रकार के नए प्रयोग अस्तित्व में लाए हैं। 10 साल तक यूपीए की सोनिया मनमोहन सिंह की सरकार थी। आप सब सीमावर्ती क्षेत्र पर रहते हैं। यहां पर योगी आदित्यनाथ जी ने कहा घुसपैठिए आते थे, नकली नोट घुसाते थे, तस्करी करते थे, मगर पाकिस्तान की सीमा पर तो हर रोज गोलीबारी होती थी, गोलीबारी होती थी। आए दिन सरहद पर आलिया मालिया जमालिया आकर देश की सीमाओं का सम्मान तोड़ते थे मित्रों। और कुछ दिन तो ऐसे आए कि शहीद जवानों के सर को कुचला गया, मगर दिल्ली के हुक्मरानों के माथे पर जू नहीं रहेंगी। भाई सारे पुलिस ऑफिसर वहां से निकल जाए, सारे कार्यकर्ता वहां से निकल जाए, भाई वो सफेद शर्ट वाले भाई आप निकल जाओ वहां से, चलो निकल जाओ। मैं सभा समाप्त होने के बाद साड़ी बंजाना टाइप की बहनों को मिलकर जाऊंगा वहां पर, आप सबको मिलकर जाऊंगा, आप चिंता मत करिए। जोर से बोले भारत माता की। सरहद पर सभी जो जवान तैनात थे उनके पास गोलीबारी करने के ऑर्डर नहीं थे। अभी अभी उरू में एक दिन सुबह, अरे बहन जी आप निकल जाइए वहां से, बहन जी बैठ जाइए आप, उरी के मिलिट्री के कैंप पर पाक प्रेरित आतंकवादियों ने जघन्य हमला किया। नींद में सोए हुए सेना के जवानों को लड़ने का मौका भी नहीं दिया, उनको जिंदा जला दिया। पूरे देश में गमगीनी, हताशा, आक्रोश का माहौल था कि सेना के जवानों के साथ क्या हो गया। मगर मित्रों इस बार सोनिया मनमोहन की सरकार नहीं थी, नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पूरी दुनिया और पाकिस्तान देखता रह गया। 10 दिन के अंदर ही पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया नरेंद्र मोदी ने कर दिया मित्रों। और उस पर एक कांग्रेस के शहजादे राहुल बाबा, जानते हो ना, जानते हो ना, वो कहते हैं मोदी जी खून की दलाली करते हैं। अरे राहुल बाबा आपको क्या मालूम सेना के जवानों की वीरता का मोल क्या होता है, उनकी बलिदान का मोल क्या होता है, वो अनमोल होता है राहुल बाबा। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे देश की सीमाओं को कोई छू नहीं सकता मित्रों। 10 साल तक 12 लाख करोड़ रुपए का घपला घोटाला भ्रष्टाचार कर अरबों खरबों रुपया अपने घर के अंदर भरने वाले सपा बसपा कांग्रेस ममता केजरीवाल सारे के सारे आज नरेंद्र मोदी पर नाराज है। क्यों नाराज है मालूम है आपको? जो सालों से लूट कर इकट्ठा किया था मोदी जी ने 8 तारीख को एक साथ रद्दी बना दिया। 8 तारीख सुबह तक ये सब पूछते थे मोदी जी आपने काले धन के लिए क्या किया, मोदी जी आपने काले धन के लिए क्या किया। आज पूछते हैं मोदी जी आपने काले धन के लिए ये क्यों किया। मुझे बताओ भाइयों, मेरी माता यहां बैठी है, आप लोगों का कोई काला धन का पैसा डूबा है क्या? गरीब के पास तो काला धन है ही नहीं राहुल बाबा, अखिलेश बाबू, बहन मायावती, गरीब के पास काला धन नहीं है। आपके पास जो पड़ा था वो सारा का सारा डूब गया मित्र।
और क्या होने वाला है। कल मोदी जी देश की संसद के अंदर एक बिल लेकर आए हैं, एक काले धन का जिनके पास जमा होना था वो लोग जो पकड़े जाएंगे उनका 85% पैसा देश के खजाने में डाल दिया जाएगा। और मोदी जी ने घोषणा करी है, जिन्होंने अपने बैंक अकाउंट के अंदर बड़ी मोटी रकम जमा कराई है, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़, उन लोगों को पकड़े जाएंगे और जो पेनल्टी होगी उसका सारा का सारा धन गरीब कल्याण की योजनाओं के लिए लगा दिया जाएगा। मित्रों, जिन्होंने लूट कर इकट्ठा किया था उनका धन गरीब कल्याण और गरीब विकास के लिए लगाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और मित्रों, ये आक्रोश दिन लगाते हैं, भारत बंद लगाते हैं, एक और देश में चुनाव चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में उपचुनाव था, असम में था, बंगाल में था, त्रिपुरा में था, महाराष्ट्र में कल चुनाव हुए, कल गुजरात में चुनाव हुए, सबकी सब जगह भारतीय जनता पार्टी की अप्रत्याशित विजय हुई है। मित्रों, देश की जनता श्री नरेंद्र मोदी के साथ है, ये नोटबंदी के फैसले के साथ है। आप मुझे बताइए, आप लोग नोटबंदी के फैसले के साथ हो या बुआ भतीजा के साथ हो, जरा हाथ करके बताइए, नोटबंदी के साथ है पक्का? मित्रों, इस नोटबंदी से गरीब और अमीर के बीच की खाई खत्म हो जाने वाली है। मित्रों, नरेंद्र भाई जब से आए हैं उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए बहुत कुछ किया है। यहां मेरे ढेर सारे किसान भाई करे, मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी सरकार आने के पहले यूरिया प्राप्त करने के लिए लाठियां भाजी जाती थी या नहीं भाजी जाती थी, बताइए? भाजी जाती थी ना। अब यूरिया मिलता है या नहीं मिलता है, बताइए? मिलता है, क्योंकि नरेंद्र भाई ने इसको नीम कोटेड बनाकर उसकी कालाबाजारी समाप्त कर दी है। मित्रों, समाप्त कर दी है। ई मंडी नरेंद्र भाई लाना चाहते हैं, वो बिचौलियों को निकालना चाहते हैं, किसान को अपना दाम मिल सके उसके लिए वो करना चाहते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना लाए हैं, मगर पूरे उत्तर प्रदेश में सॉइल हेल्थ कार्ड जिसके माध्यम से यूपी के किसान की आवक दोगुना हो सकती है, ये प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बुआई से लेकर खलिहान तक कहीं पर किसान का नुकसान होता है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से इन नुकसान भरने की व्यवस्था नरेंद्र भाई ने की थी, मगर चाचा भतीजा के बीच में प्रीमियम में घूस कौन लेगा उसका झगड़ा हो गया, प्रीमियम की एजेंसी ही तय नहीं हुई। मित्रों, हंसने की ताली बजाने की बात नहीं, पूर्वांचल का मेरा किसान गरीब किसान भाई, बाढ़ में जिसकी फसल बह गई आज उसको बीमा नहीं मिल रहा है, उसके लिए कोई अगर जिम्मेदार है तो समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार जिम्मेदार है। मैं इस मंच से उत्तर प्रदेश के किसानों का आह्वान करने आया हूं, उखाड़ कर फेंक दीजिए समाजवादी पार्टी की सरकार को और ऐसी सरकार लाइए जो किसान हिस्से ऐसी हो। मित्रों, ये सरकार कभी किसानों का भला नहीं कर सकती, जो जिस सरकार की पूरी पार्टी भू माफियाओं से भरी हो, गरीबों की जमीन हड़पना जिसका पैसा हो गया हो, वो पार्टी उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकती। मैं आपको भरोसा दिलाने चाहता हूं, एक बार स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला दीजिए, जितने भी भू माफिया है 7 दिन के अंदर बोरिया बिस्तर लेकर उत्तर प्रदेश की सीमाओं के बाहर चले जाएंगे। मित्रों, बाहर चले जाएंगे। और हमने
ये कर दिखाया। कल्याण सिंह राजनाथ सिंह की जब सरकारें थी तब गुंडा या तो जेल के अंदर था या यूपी के बाहर था, कोई माफिया दिखाई नहीं पड़ता था। मित्रों, नरेंद्र भाई ने बहुत सारी योजनाएं लाए गरीबों के लिए। अभी बताया उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना के माध्यम से पहली बार ये गैस का सिलेंडर है ना, वो गांव की गरीब महिलाओं तक पहुंचा है। 35 लाख यूपी की गांव की गरीब महिलाओं के घर में से धुआं दूर करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से देश भर में 4 करोड़ गरीब युवाओं को, पिछड़ी जाति का, दलित, आदिवासी, सवर्ण, सब युवाओं को रोजगारी देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, देश में हमने ऐसी सरकारें चलाई हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, जहां के युवाओं को पलायन नहीं करना पड़ता। आज पूरे देश भर में कहीं भी शहर में जाइए, दिल्ली जाइए, बेंगलोर जाइए, मुंबई जाइए, अहमदाबाद जाइए, चेन्नई जाइए, किसी टैक्सी ड्राइवर को पूछोगे भैया कहां से आते हो तो वो बताएगा पूर्वांचल से आता हूं, देवरिया से आता हूं, बलिया से आता हूं, राबर्ट्सगंज से आता हूं, मऊ से आता हूं। मित्रों, हम एक ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं जहां पर युवा को रोजगारी तो मिले मगर वो अपनी पत्नी और मां बाप के साथ रहकर अपने जनपद के अंदर ही रोजगारी प्राप्त कर सके। और देश भर में ऐसी सरकारें भारतीय जनता पार्टी ने चलाई है जहां हर गांव रोड से जुड़ चुका है, हर घर में 24 घंटा बिजली पहुंची हो, हर घर में नल से स्वच्छ पीने का पानी पहुंचता हो, एक टेलीफोन करते ही 10 मिनट के अंदर सब सुविधाओं के साथ 108 की एम्बुलेंस आपके घर तक पहुंच जाए, इस तरह का शासन हमने चलाया है। मित्रों, 10% कृषि विकास दर, 15% औद्योगिक विकास दर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने दिया है। क्या नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर? योगी आदित्यनाथ जी अभी बता रहे थे 20 फुट नीचे यहां पानी आता है। मेहनत का युवा है, पसीना बहाने वाला किसान है, इतना बड़ा प्रदेश क्यों विकास नहीं होता? क्योंकि जो सरकारें आई, चाहे भतीजे की आई चाहे बुआ की आई, उन्होंने भ्रष्टाचार करके अपना घर भरने का काम किया है और कुछ नहीं किया है। मित्रों, मोदी जी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं मगर यहां की जो सरकार है वो सहायता नहीं देती। मोदी जी की सरकार आने के बाद हर 15 दिन में एक मोदी जी योजना लेकर आए, हर 15 दिन में, और वो योजनाओं को गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए योजना है। मेरे पास उसकी सूची है, मैं आपके सामने थोड़े नाम पढ़ लूं क्या? जरा जोर से बोलिए भैया, पढ़ूं? बहुत लंबी सूची है, आपको लगे बहुत हो गया तो रोक लीजिएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, आदर्श ग्राम योजना, फसल बीमा योजना, ग्राम सिंचाई योजना, गरीब कल्याण योजना, जन औषधि योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, बाल स्वच्छता मिशन, सॉइल हेल्थ कार्ड, कृषि बाजार, परंपरागत, भैया अभी तो बहुत लंबी सूची, 92 योजनाएं नरेंद्र भाई लेकर आए हैं मगर मेरे यूपी के गांव के भाइयों बहनों तक, किसानों तक, माताओं तक ये योजनाएं नहीं पहुंचती है। मित्रों, एक ऐसी सरकार चाहिए जो नरेंद्र भाई 1 लाख करोड़ रुपया हर साल ज्यादा भेज रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए, वो पैसा गरीब तक पहुंचाए, ऐसी सरकार चाहिए, बीच में से खा जाए ऐसी सरकार नहीं चाहिए। मित्रों, उत्तर प्रदेश का विकास हो सकता है अगर यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है, तो उत्तर प्रदेश देखते देखते
देश का सबसे समृद्ध प्रदेश बन सकता है मित्रों, देश का सबसे समृद्ध प्रदेश बन सकता है। और इन लोगों ने जाति की राजनीति करना, तुष्टीकरण की राजनीति करना, वोट बैंक की राजनीति करना, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने देश की सरकार को एक सवाल पूछा कि भाई इस देश में ट्रिपल तलाक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप बताइए, ट्रिपल तलाक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जरा जोर से बोलिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हम भी यही मानते हैं, नहीं होना चाहिए। देश की मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, बताइए भैया? मगर ये सपा, बसपा, कांग्रेस सभी लोग मानते हैं कि देश में ट्रिपल तलाक होना चाहिए। मित्रों, मैं इस मंच से आह्वान करने आया हूं कि यूपी के चुनाव को महिला अधिकार का चुनाव बनाइए, महिला अधिकार के मुद्दे पर यूपी की जनता वोट करे। मित्रों, यूपी के विकास के लिए, नरेंद्र भाई के हाथ मजबूत करने के लिए, जैसी देश में प्रामाणिक सरकार चलती है, ऐसी ही प्रामाणिक सरकार उत्तर प्रदेश में चलाने के लिए आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे क्या? जरा जोर से बोलिए, करेंगे? नरेंद्र भाई के हाथ मजबूत करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, कमल के निशान पर वोट डालकर दो तिहाई बहुमत से सरकार बनाएंगे, तो मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।